वेलकम बैक टू इट्स मी ऑप्टिमस अगेन। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। महिंद्रा 475 DI में वो सारे स्पेसिफिकेशन बताऊंगा जो आपको मिलती है, इंजन स्पेसिफिकेशन, ट्रांसमिशन, ब्रेक्स, स्टेयरिंग वगैरह सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, और चलाने के ऊपर आपको कैसे लगता है, और ट्रैक्टर के कंपेरिजन में प्रैक्टिकली आप में आपको कैसे ये अच्छा लगता है, वो सारी चीज़ें आपको मैं बताऊँगा। तो बने रहना वीडियो पे, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं इंजन की। तो इसमें आपको 4 सिलेंडर का इंजन मिल जाता है, जैसे मैं आपको ये दिखाऊँ, 4 सिलेंडर का इंजन मिल जाता है जो इंजन को काफ़ी स्मूथ और परफॉर्मेंस के लिए और अधिक शक्तिशाली बनाता है। अब हम बात करते हैं HP कैटेगरी। तो इसमें 42 HP का पावर मिल जाता है आपको, जो काफ़ी अच्छा माना जाता है ट्रैक्टर के लिए। नॉर्मल आप काम करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा पावर प्रोड्यूस करता है। 275 से कंपेयर करें तो इसमें 39 BHP का पावर मिलता है, लेकिन इसमें 42 HP का पावर मिलता है जो मोर देन सफिशियंट है। अगर हम बात करते हैं CC का, तो इसमें आपको 2730 CC का इंजन मिल जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं 275 का, तो 2048 CC कुछ का आपको इंजन मिलता है, जो इससे काफ़ी छोटा इंजन है। अब बात करते हैं इंजन रेटेड RPM का, तो इसमें 1900 इंजन रेटेड RPM आपको मिल जाता है, जो काफ़ी बेस्ट है। अब बात करते हैं कूलिंग टाइप, आप इंजन को कूल करने के लिए किस चीज़ का यूज कर सकते हो, तो उसके लिए ये वाटर कूल्ड इंजन है, आप वाटर से इसको ठंडा कर सकते हो। एयर फिल्टर का बात करें तो ऑयल वाद टाइप आपको इसमें एयर फिल्टर मिल जाता है, और ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें आपको 6 स्प्लाइन टाइप टेक्नोलॉजी मिल जाता है ट्रांसमिशन के अंदर। अब बात करते हैं क्लच की, तो इसमें आपको ड्राई टाइप क्लच मिलता है, सिंगल एंड ड्यूअल दोनों का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं गियर बॉक्स की, तो आपको इसमें 8 फॉरवर्ड एंड 2 रिवर्स गियर बॉक्स मिल जाता है, 8 आगे के लिए और 2 पीछे के लिए इसमें मिल जाता है। और वहीं अगर हम बैटरी की बात करें तो 12 वोल्ट का मिल जाता है बैटरी, और अल्टरनेटर भी आपको 12 वोल्ट 36 एम्पीयर का मिलता है। यहाँ फॉरवर्ड स्पीड दिया गया नहीं है, नॉट अप्लीकेबल, रिवर्स भी नहीं है, लेकिन मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूँ तो फॉरवर्ड स्पीड आपको 31 से 32 किलोमीटर पर आवर का मिल जाता है महिंद्रा के हर ट्रैक्टर में। अब बात करते हैं ब्रेक्स की, तो इसमें आपको ड्राई डिस्क ब्रेक्स एवं आइल इमर्स्ड दोनों ब्रेक का ऑप्शन मिलता है, डिपेंड करता है आप कौन सा चॉइस करते हैं। स्टेयरिंग टाइप इसमें आपको पावर स्टेयरिंग एंड नॉर्मल मैनुअल स्टेयरिंग दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। अब बात करते हैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो इसमें आपको 48 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं डाइमेंशंस एंड वेट ऑफ ट्रैक्टर, मतलब कितना ट्रैक्टर का वेट होता है, वो सारी चीज़ें। तो इसमें टोटल वेट तो नहीं दिया गया है, लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, ये 18 क्विंटल लगभग का ट्रैक्टर आता है। अब बात करते हैं ओवरऑल लेंथ की, तो इसमें आपको 3260 mm का ओवरऑल लेंथ मिलता है। वहीं अगर हम विड्थ की बात करें, मतलब चौड़ाई की, तो इसमें आपको 1625 mm का विड्थ मिल जाता है, जो मोर देन सफिशेंट है, और आपको चलाने में भी काफ़ी ईजी लगने वाला है, क्योंकि ट्रैक्टर का जो साइज़ है वो एक जेन्युइन तरीके से डिजाइन किया गया है, इसलिए चलाने में आपको अच्छा लगने वाला है। आप छोटे से छोटे जगह में भी आप अच्छे से निकाल सकते हैं, और ट्रैक्टर भी आपको ज़्यादा छोटा नहीं लगेगा। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, तो आपको 350 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है, जो काफ़ी अच्छा है, आप ऑफरोडिंग में भी ले जा सकते हैं, ख़राब सड़कों में तो ये कोई दिक्कत नहीं करती है, ईजीली वहाँ से निकल जाएगी। अब बात करते हैं टर्निंग रेडियस विद ब्रेक्स, आप ब्रेक लगा के कितना छोटे एरिया में मोड़ सकते हैं, तो 3500 mm में आप मोड़ सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा माना जाता है ट्रैक्टर के लिए। अब बात करते हैं लिफ्टिंग कैपेसिटी की, इसमें आपको 1500 kg लिफ्टिंग कैपेसिटी मिलता है, लिफ्ट के जरिए आप 1500 kg मतलब 15 क्विंटल और 1.5 टन को इजीली उठा सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें व्हील ड्राइव, तो 2 और 4 दोनों का ऑप्शन है, 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव दोनों का आप इसको ऑप्शन ले सकते हैं, दोनों आपको इसमें मिलता है। अब बात करते हैं इसके वारंटी की, तो जैसे महिंद्रा के ट्रैक्टर्स में लगभग 2000 आवर्स एंड 2 ईयर्स का वारंटी मिलता है,
इसमें भी वही कंडीशन है, 2000 घंटा और 2 साल का वारंटी पीरियड मिलता है। तो ये कुछ था दोस्तों महिंद्रा 475 DI का डिटेल्स वीडियो। अगर इससे आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिला होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं डालता रहता हूँ। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए शुक्रिया।